पानीपत का सबसे बड़ा मुद्दा है। जी हाँ, ये पानीपत का सबसे बड़ा मुद्दा है और ये खबर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि तमाम लोगों तक ये खबर पहुंच सके, प्रशासन तक ये खबर पहुंच सके, क्योंकि यदि आप शहर में निकल रहे हैं तो किसी भी समय हादसा हो सकता है। देखिए जिस तरह से गाड़ियों की रफ्तार है और सामने ये गोवंश यदि आते हैं और ख़ासकर रात के समय यदि गाड़ियों की रफ्तार इस स्पीड से हो और इस तरह ये गोवंश सड़कों पर हो तो आप समझ सकते हैं कि हादसा हो सकता है। तमाम शहर के लोगों से हम राय लेंगे, लोगों के जो राय है वो जानेंगे कि आखिर प्रशासन भी लगातार ये दावे कर रहा है, नगर निगम भी ये दावे कर रहा है कि शहर में जो बेसहारा गोवंश है, जो आवारा पशु है, वो उठाया जाएगा। अजय सिंगला जी आरटीआई कार्यकर्ता है, तमाम जो शहर के मुद्दे हैं वो उठाते रहते हैं, उससे बातचीत करते हैं। गाड़ियों की स्पीड देखिए, सिंगला साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार जो हादसे हैं वो पानीपत में देखने को मिल रहे हैं और ये गोवंश आप देख रहे हो, गाड़ियों की स्पीड देख रहे हो और ये गोवंश राजधानी की गाड़ियों को मौका दे रहे हैं। ये गोवंश जो है लगातार हादसे हो रहे हैं और ना तो प्रशासन इसकी तरफ ध्यान दे रहा है और ना ही नगर निगम ध्यान दे रहा है। रोज जो है तरह तरह की घटनाएं हो रही है, रोज चोटें लग रही है और ये आप तो ये नज़ारा तो आप जीटी रोड पे देख रहे हो जहाँ पे लगातार जो है वो ट्रैफिक चल रहा है। आप अगर कॉलोनी और सेक्टरों में जाओगे तो इससे भी बड़ा बुरा हाल है और अभी आप देख रहे होंगे कि भाई 3-4 दिन पहले एक नौजवान जो है वो किस तरह से गोवंश की वजह से दुर्घटना हुई है और वो 4 दिन से कोमा में पड़ा है। तो ये जो इशूज है ये सारे के सारे जो है वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि प्रशासन पूरी तरह से लापरवाह है। सरकार ने ये पॉलिसी तो बना दी कि भाई गोवंश का किसी भी तरह से दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन आप देखिए कि कोई इस तरह की नीति नहीं आई है आज तक सरकार की तरफ से कि इनका संरक्षण किया जाए। आप देखेंगे कि गोवंश गौशाला वाले हैं वो इनको नहीं ले रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि इसी सरकार ने एक गौ सेवा आयोग का गठन किया है और वो गौ सेवा आयोग का गठन इसीलिए किया गया था कि गोवंश का किसी तरह से कल्याण हो। तो वो ना तो गौ सेवा आयोग किसी तरह का काम कर रहा है, ना कोई नगर निगम काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये इंडिकेट कर रही है कि आम आदमी का जो जान है वो लाने पड़े हुए हैं, किसी तरह की कोई सेफ्टी नहीं है। और बड़ा दुख होता है कि जब नगर निगम की मेयर जो है वो घड़ियाली आंसू बहाती है और ये दिखाती है कि मैं जनता के साथ हूँ, और एक बार जो है विधायक जी भी आए थे कि भाई मैं जो है अपनी तरफ से सब कुछ करूँगा और गोवंश जो है वो सड़कों पे नहीं रहने दूंगा। आज आप देख रहे हैं कि हालत क्या है। माननीय डीसी महोदय ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने स्वयं ये बात मान ली है कि नगर निगम जो है वो इस मामले में पूरी तरह से लापरवाह है और नगर निगम का ध्यान जो है वो गोवंश की तरफ से किसी भी तरह से नहीं है। मैं तो परमात्मा से और कामना यही करूँगा कि भाई किसी भी तरह से इन लोगों को सद्बुद्धि आए और आम लोगों की सुरक्षा की तरफ ये लोग ध्यान दें। साहब मेरे को नहीं लगता कि कोई नगर निगम का कोई व्यक्ति जो है इस तरह की जिम्मेवारी लेगा, लेकिन भगवान ना करे अगर कोई इस तरह का हादसा ये भीषण रूप अगर ले लेता है तो आप देखोगे कि नेताओं की बाढ़ जो है वहाँ पे लग जाएगी और वो घड़ियाली आंसू बहाने के फिर शुरू कर देंगे और वो घड़ियाली आंसू जो है वो कुछ समय के लिए रहेंगे, 1-2 दिन वो जनता को दिखाएंगे कि भाई हम आपके साथ हैं, लेकिन उसके बाद फिर इसी तरह से लोगों को रहना मजबूर होना पड़ेगा। हादसे पहले भी हुए हैं, लोगों ने जान भी गवाई है, अधिकारी भी इसी तो मिनी सेक्रेट के सामने जत्था का जत्था जो है वो गोवंश के सामने गोवंश का रहता है, वहाँ पे लगातार रहता है और अधिकारी हर अधिकारी जो है वो आता भी है जाता भी है,
लेकिन उनका ध्यान जो है इस तरफ नहीं होता। आप नगर निगम की बिल्डिंग के सामने देख लीजिए, देवीलाल कॉम्प्लेक्स वाली बिल्डिंग के पास देख लीजिए, हर जगह पे आपको गोवंश इसी तरह से चरते मिल जाएंगे। लेकिन इनका ध्यान जो है वो सिर्फ पैसा बटोरने पे है। एक टेंडर लगाएंगे, वो पैसा खा जाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं है इनके पास। कुछ हादसा हो जाता है, अधिकारी भी ये कहते हैं देख रहे हो, तो आप अपने आप देखो कि कौन सा वायदा इनका अमल में आया है। ये सिर्फ जो है ना जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, जनता के इमोशन के साथ खेल रहे हैं। कंक्रीट में इनके पास कुछ नहीं है। कंक्रीट में इनको एक पॉलिसी लेके आनी पड़ेगी, और वो पॉलिसी जब तक सरकार, हरियाणा सरकार इस विषय में कोई कदम नहीं उठाती, तो मेरे को नहीं लगता कि आम जनता को कोई सोल्यूशन मिलेगा। मिनिमम लेके चले, नहीं तो किसी भी समय पे हादसा हो सकता है। सरकार ने हादसे के लिए जगह जगह पॉइंट खोल दिए हैं, बचना जो है वो जनता को खुद पड़ेगा हाँ। ताकि भाई किसी और के साथ, किसी परिवार के साथ हाँ, किसी साथ एक युवक जो है चार दिन से बिल्कुल चार दिन आज इस युवक को चार दिन हुए कि इसको होश में नहीं है। आप थोड़ा पीछे चले जाइए, अगर 6-7 महीने पुरानी बात करें तो वो 21 साल का जो नौजवान था वो इस दुनिया को अलविदा, बिना टाइम के अलविदा कह के चला गया था। जब इस तरह के हादसे ही इन नेताओं को झकझोर नहीं रहे हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि इन नेताओं की आत्मा कभी आएगी या कभी कुछ सोचेगी जनता के लिए। तो आज कई कार्यकर्ता हैं जो सिंगलियन, उनको आप लगातार शहर में हादसे भी हो रहे हैं, और प्रशासन कई की ओर से आरोप लगाए गए हैं, सवाल खड़े कर दिए गए हैं कि हादसा हो जाता था तो नेता लोग भी तरह से चलाते हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, डीसी साहब ने कल कहा है कि गोवंश पे पीली लाइन लगा के जो है वो सुधार हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरी एक्सपीरियंस जो है वो ये कहती है कि पीला लाइन लगाने से कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। इसके लिए तो कोई कंक्रीट पॉलिसी बनानी पड़ेगी, कंक्रीट पॉलिसी बना के ही जनता को इससे निजात दिलाई जा सकती है। उनका सिंगल साहब ये कहना था डीसी साहब का कि भाई चलो जब तक मैं आपकी बात से सहमत हूँ, इस तरह का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन मेरे को लगता है कि ये प्रयोग कामयाब होने वाला नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये प्रयोग कामयाब नहीं है, और ये तो नगर निगम को और सरकार को मिलकर कोई ना कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी, तो कोई ना कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी ताकि हादसों पर रोक लग सके। क्योंकि एक युवक जो पानीपत के ही सेक्टर 13 स्थाना का रहने वाला है, इसको बताया जा रहा है कि करीब 4 दिन हो चुके हैं हॉस्पिटल में भर्ती है, और अभी तक उसे होश नहीं आया है। तो कब तक प्रशासन जागेगा, कब ये नेता लोग जागेंगे, क्योंकि लगातार पानीपत में हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, पानीपत का सबसे बड़ा और गंभीर मुद्दा है। लगातार आप देखते हैं कि सड़कों पर बेसहारा गोवंश है, लगातार हादसे हो रहे हैं वो देखने को मिल रहे हैं, और तमाम लोगों से हम राय ले रहे हैं और लोगों से भी जानेंगे कि उन लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है। तमाम जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम लोगों